अमेरिका की सड़क पर एक बार अमेरिकन पुलिस ने एक बुजुर्ग व्यक्ति को, वृद्ध व्यक्ति को पेशाब करते हुए पकड़ा। उनको उठा करके लेकर के पुलिस उनके घर ले गई और पत्नी के हवाले करते हुए कहा कि भी जरा इनको संभाल करके घर में रखिए, इस तरीके से इनका सड़क पर निकलना इनके जीवन के लिए हानिकारक हो सकता है, प्राणघातक भी हो सकता है। उस व्यक्ति की पत्नी ने पुलिस को धन्यवाद देते हुए विदा किया और फिर अपने पति को समझाया कि आप ऐसे क्यों बाहर निकल जाते हैं, मैंने कई बार आपको समझाया हुआ है, कहीं कुछ हो गया तो फिर मैं क्या करूंगी। अपने गौरवशाली अतीत को भी याद करिए, आपको इस तरीके से सड़कों पर घूमते हुए दिखना अच्छा नहीं लगता है। ये व्यक्ति कौन था? एक समय ये व्यक्ति अमेरिका का बहुत बड़ा एक्टर हुआ करता था, अमेरिकन फिल्म इंडस्ट्री का इतना विख्यात, इतना प्रख्यात एक्टर हुआ करता था कि उस ख्याति के दम पर यह व्यक्ति राजनीति में आया और राजनीति में भी आकर 1981 में यानी 1981 में यह व्यक्ति अमेरिका का राष्ट्रपति बना। नाम था रोनाल्ड रीगन, आप सबने सुना होगा इनका नाम। अगले 8 वर्षों तक वह व्यक्ति दुनिया का सर्वशक्तिमान व्यक्ति बनकर रहा, अमेरिका का राष्ट्रपति। रिटायरमेंट के बाद जब वो घर रहने लगे, कुछ समय बाद उनको अल्जाइमर की बीमारी हो गई, धीरे धीरे उनकी याददाश्त चली गई, लोगों से घुलना मिलना बंद हो गया, लोग भी उनको भूल गए और स्थिति ये आ गई थी कि अब सड़क पर भी उनको कोई पहचानता नहीं था। सोचिए, एक समय का राष्ट्रपति और अगले समय कोई भी पहचान नहीं रहा है और उनको खुद नहीं याद रह रहा है कि उनको कहाँ आना है, कहाँ जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो इस कहानी से हमको सबक यह मिलता है कि वक्त जो होता है ना, समय जो होता है, वो सर्वशक्तिमान होता है, बहुत सारी चीजों को बदल डालता है वो। इसलिए जीवन में आप किसी भी पोजीशन पर रहें, कितनी भी बड़ी पोजीशन पर रहें, आपको उस पर अहम नहीं होना चाहिए, हमको उस पर अहम नहीं होना चाहिए, बल्कि हमको सरल रहना चाहिए। जो समय अमेरिका के राष्ट्रपति के ये हालात कर सकता है, वो दुनिया के किसी भी इंसान की कैसी भी हालात कर सकता है। इसलिए प्रयास करें और ये इंश्योर करें कि हमेशा एक जैसे रहें, सरल और सिंपल हमेशा ही अच्छा रहेगा।